मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। प्रियंका और निक का न्यू ईयर सेलिब्रेशन। प्रियंका चोपड़ा शादी के बाद पति निक जोनस की फैमिली संग नए साल का जश्न मना रही हैं। इन दिनों स्विट्जरलैंड में हॉलीडे सेलिब्रेट कर रही पीसी ने जोनस परिवार संग कई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीर में प्रियंका हॉलीडे पर फ्लोरल प्रिंट के इसकी सूट के साथ नजर आ रही हैं। ब्लैक एंड रेड कलर के इस सूट की कीमत लाखों में है। प्रियंका के साथ निक के भाई जो जोनस और उनकी मंगेतर सोफी टर्नर की स्पेशल केमिस्ट्री हॉलीडे में साफ नजर आ रही है। प्रियंका के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा भी हॉलीडे में नजर आ रहे हैं। निक के छोटे भाई फ्रैंकी भी वैकेशन में शामिल होने पहुंचे हैं। अर्जुन मलाइका का रोमांटिक अंदाज। अब अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने खुलकर सामने आना शुरू कर दिया है। दोनों ही कलाकार हाल ही में हाथों में हाथ लिए नजर आए। अर्जुन ब्लैक जीन्स टी शर्ट पहने हुए थे और मलाइका ब्राउन कलर के वन पीस में थी। दोनों पिछले काफी वक्त से अपने रिश्ते को छिपाते रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या साल 2019 में दोनों इस रिश्ते को मुकम्मल करते हैं या नहीं। अर्जुन और मलाइका इससे पहले भी कई बार साथ में नजर आते रहे हैं। डिनर डेट से लेकर छुट्टियां मनाने तक दोनों को साथ में देखा जाता रहा है। इस बार दोनों साथ में नजर आए संजय कपूर की न्यू ईयर पार्टी में। अर्जुन और मलाइका ज्यादातर वक्त हाथों में हाथ लिए साथ में ही नजर आए। अर्जुन और मलाइका सिर्फ साथ में दिखे ही नहीं थे, बल्कि दोनों एक ही गाड़ी में इवेंट प्लेस तक पहुंचे भी थे। मालदीव में हॉलीडे एंजॉय कर रही है दिशा पटानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी अक्सर अपनी हॉट और सेक्सी फोटोज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर दिशा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल दिशा इन दिनों मालदीव में हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं। इस दौरान दिशा ने वहां की अपनी कुछ हॉट और सेक्सी तस्वीरें अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। तस्वीरों में दिशा हाई स्लिट गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में वो वाइट बिकनी में बेहद ही सेक्सी लग रही हैं। इस दौरान वो काफी मस्ती करती दिखाई दे रही हैं। तस्वीर में दिशा बिकनी पहने लेटकर कैमरे के सामने बोल्ड पोज भी दे रही हैं। तस्वीर में दिशा बेहद ही हॉट लग रही हैं। उनकी इस तस्वीर में दिशा का सेक्सी फिगर साफ नजर आ रहा है। लोग उनकी इस तस्वीर को बेहद पसंद कर रहे हैं। रणबीर के परिवार संग आलिया ने मनाया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शामिल आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर ने एक साथ न्यू ईयर मनाया। हालांकि इन दिनों ये कपल अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन ये दोनों अपने बिजी शेड्यूल में एक दूसरे से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सोशल मीडिया पर इनकी ये फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो में रणबीर और आलिया के अलावा रणबीर की पूरी फैमिली भी नजर आ रही है। इस फोटो को नीतू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा शेयर किया है। उसमें नीतू कपूर, ऋषि कपूर, आलिया, रणबीर और रिधिमा कपूर अपने पति और बेटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स ने फैंस को दी नए साल की शुभकामनाएं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने फैंस को बधाई देने के लिए अपने पूरे परिवार की कई तस्वीरें एक ही फ्रेम में पोस्ट कर लिखा, आप सभी का साल 2019 खुशी और भाग्य से भरा हो, ऐसी मेरी कामना है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने इस अंदाज में अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं अक्षय कुमार की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने नए साल पर पहली मॉर्निंग बेड तस्वीर शेयर कर लिखा, 365 दिन बिताकर मैं फिर वहीं आ गई जहां से पिछले साल शुरुआत की थी। मैं चाहती हूं कि ये साइकिल ऐसे ही चलता रहे। अर्जुन कपूर ने कहा, मेरे परिवार और दोस्तों को थैंक्स कि वो हमेशा मेरे साथ रहे मुझे संभालने के लिए, जब भी मेरे साथ कुछ बुरा हुआ पिछले साल। शिल्पा ने बीते साल के आखिरी दिन चॉकलेट कप केक बनाया। उन्होंने नए साल का स्वागत करते हुए आखिरी साल को मीठे के साथ गुड बाय कहा। अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। विराट ने अपने इंस्टाग्राम से न्यू ईयर की बधाई देते हुए लिखा, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड, गॉड ब्लेस एवरीवन। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए अपने फैंस को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। कैटरीना कैफ ने पुराने साल को अलविदा कहते हुए नए साल का स्वागत किया। सोनम कपूर ने अपने पति आनंद आहूजा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने फैंस को नए साल की बधाई दी। कादर खान का हुआ निधन। कादर खान जो 80 और 90 के दशक में कॉमेडी के बादशाह थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। कादर खान ने कनाडा के अस्पताल में अंतिम सांस ली। कादर खान ने 70 के दशक से डायलॉग लिखने से लेकर फिल्मों में एक्टिंग तक खूब नाम कमाया। कॉलेज में एक बार नाटक प्रतियोगिता में उन्हें बेस्ट एक्टर और राइटर का खिताब मिला। साथ ही एक फिल्म के लिए संवाद लिखने का मौका भी मिल गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उनके फिल्मी करियर में बड़ा मोड़ तब आया
जब 1974 में मनमोहन देसाई और राजेश खन्ना के साथ फिल्म रोटी में काम करने का मौका मिला। मनमोहन देसाई को उन पर कुछ खास भरोसा नहीं था, लेकिन जब कादर डायलॉग लिखकर लाए तो मनमोहन देसाई बेहद खुश हो गए थे। कादर खान ने 1973 में फिल्म दाग से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद खून पसीना और शराबी जैसी कई फिल्मों की झड़ी लग गई। कादर खान ने 70 के दशक से डायलॉग लिखने से लेकर फिल्मों में एक्टिंग तक खूब नाम कमाया। कादर खान ने अमिताभ के रोल को संवारने में भी अहम भूमिका निभाई। हालांकि उनकी शुरुआती जिंदगी काफी संघर्ष भरी रही, उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कादर खान ने लिखा था अमिताभ बच्चन का नसीब। नए साल का सूरज भले ही पूरी दुनिया के लिए खुशियां लाया हो, लेकिन साल के एक दिन पहले हिंदी सिनेमा के लिए बुरी खबर आई है। साल के आखिरी दिन ने बॉलीवुड के दिग्गज बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक्टर कादर खान को हमसे छीन लिया। कादर खान एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, जिन्होंने कई फिल्मों में अपने डायलॉग खुद ही लिखे, लेकिन सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के भी कई सुपरहिट किरदारों और दमदार डायलॉग्स के पीछे कादर खान ही थे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्में जैसे अमर अकबर एंथनी, लावारिश, शराबी, सत्ते पे सत्ता, नसीब, मुकद्दर का सिकंदर के डायलॉग्स भी कादर खान ने ही लिखे थे। कादर खान ने 300 ज्यादा फिल्में की हैं और 250 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं। कादर खान के निधन पर अमिताभ बच्चन ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को हीरो बनाने का श्रेय कादर खान को ही जाता है। अपने करीबी दोस्त और गाइड के जाने से अमिताभ बच्चन काफी दुखी हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। अमिताभ बच्चन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कादर खान नहीं रहे, बहुत दुखद खबर है, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। बेहद शानदार थिएटर कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आर्टिस्ट, एक अद्भुत लेखक, मेरी कई सफल फिल्मों का हिस्सा और एक गणितज्ञ। अनुपम खेर ने कहा कि कादर खान हमारे देश के सबसे शानदार कलाकारों में से एक थे, उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। कादर खान बहुत हुनरमंद कलाकार थे, उनका मजाकिया अंदाज एकदम स्वाभाविक था। कादर खान हमें बहुत याद आएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक नेताओं ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेता कादर खान के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि दिग्गज अभिनेता और संवाद लेखक कादर खान के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कादर खान की कॉमेडी से लेकर विलन तक और बतौर लेखक के रूप में उनकी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति संवेदना। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कादर खान जी ने अपने शानदार अभिनय, अनोखे अंदाज व हास्य कौशल से पर्दे पर चमक बिखेरी। वो एक शानदार पटकथा लेखक थे, जिन्होंने कई यादगार फिल्में की। उनका निधन दुखद है। कई अन्य नेताओं ने भी ट्विटर पर कादर खान के निधन पर दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर आपने 80-90 के दशक में हिंदी फिल्में देखी हैं, तो संभावना है कि आपने कादर खान के जादुई अभिनय को देखा होगा। कभी भी उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अगर मैं उनसे मिलती तो कहती, लोगों को हंसाने के लिए धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दिग्गज आइकन कादर खान जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना। प्रतिभा के धनी अभिनेता, व्यापक रूप से प्रशंसित लेखक और निर्देशक, जिन्होंने अपने दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला। बता दें कि सीनियर एक्टर कादर खान 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। लंबी बीमारी के बाद कादर खान का कनाडा के टोरंटो में निधन हो गया। तस्वीरों को शेयर कर याद कर रहे हैं कादर खान के फैंस। कादर खान एक वर्सेटाइल एक्टर थे। सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर के बाद से शोक की लहर दौड़ गई है। कादर खान के फैंस उन्हें स्पेशल तरीके से याद कर रहे हैं। फैंस ने उनकी फिल्मों के कई सीन सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इन तस्वीरों को शेयर कर फैंस भावुक हो रहे हैं। कुछ यूजर ने कादर खान के द्वारा लिखे गए डायलॉग्स को भी शेयर किया है। कादर खान ने फिल्म दाग से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। मूवी में कादर खान के अपोजिट राजेश खन्ना थे। कादर खान उर्दू शायरी पढ़ने लिखने के शौकीन थे। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।